दोस्तों इस वीडियो में हम पूछेंगे जीके का बड़े ही मजेदार सवाल जो आपको सोचने के लिए मिलेगा 5 सेकंड। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई मेरे दोस्त तुरंत और जल्दी कर लीजिएगा कि अच्छा जानकारी हमेशा आप तक डायरेक्ट मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर एक, सेब खाने से क्या फ़ायदा मिलती है हम लोगों को? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि अच्छा जानकारी आप तक डायरेक्ट मिलती रहे। दोस्तों इसका सही आंसर है दिमागी कमजोरी दूर होती है, पढ़ने वाले बच्चे को खूब मन लगता है। तो जिन बच्चे को दिमाग कमज़ोर है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, उनको आधा टुकड़ा से लेकर के एक सेब जरूर खिलाएं सुबह के समय में, खाली पेट वो भी। सवाल नंबर दो, खाना खाने के बाद क्या करना चाहिए हम लोगों को? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई मेरे दोस्त तुरंत और जल्दी कर लीजिए अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए। दोस्तों इसका सही आंसर है कम से कम 100 कदम टहलना जरूर चाहिए खाना खाने के बाद, इससे पेट में गैस नहीं बनता है और 1000 आने वाली बीमारी नष्ट होती है। इसलिए खाना खाने के बाद आप लोगों को रात के समय में या दिन के समय में, दिन में नहीं रात के समय में जरूर टहलें। सवाल नंबर तीन, सर्दी खांसी जुकाम बुखार तुरंत कैसे ठीक होता है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अच्छा जानकारी हमेशा पाने के लिए। दोस्तों इसका सही आंसर है तुलसी पत्ता, अदरक, लौंग, तीन चीज डाल करके चाय बनाएं, उसके बाद में 3 टाइम पीजिए, आपको सर्दी खांसी जुकाम बुखार तुरंत ठीक हो जाएगा और आपके शरीर और स्वस्थ तुरंत हो जाएगा। सवाल नंबर चार, छाती में कफ क्यों होता है? दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि अच्छा जानकारी हमेशा इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। दोस्तों इसका सही आंसर है ज़्यादा ठंडा सामान खाने से जो है छाती में कफ पकड़ लेता है तो बहुत नुकसान सहना पड़ता है, इसीलिए छाती के बलगम और कफ से दूर रहना चाहते हैं तो ठंडा सामान बिल्कुल न छुएं। दोस्तों सवाल नंबर पाँच, कौन सा बैंगन खाना चाहिए कि दाद, खाज, खुजली जैसे भयंकर बीमारी, एक्जिमा जैसे भयंकर बीमारी कभी ना हो पाए जीवन में और बैंगन का भी स्वाद मिले? दोस्तों इसका सही आंसर है गोल वाला बैंगन खाना चाहिए कि उससे दाद, खाज, खुजली की बीमारी नहीं होती है, इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कभी भी खाएं तो गोल वाला खाएं, वो उजला कलर वाला बैंगन दाद, खाज, खुजली करता है। थैंक यू दोस्तों।